हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ निराणा, और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल विनी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर लिया है, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 10:30 बजे से। मौसम की बात करें तो आज का मौसम थोड़ा ख़राब है, धुंधला बनसा है, धूप नहीं लगी हुई है। घर का जो भी काम था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आजकल ना हमारा यहाँ पे ये वाला है ना, ये हमारे 2 कमरे ना अभी अभी नए बने, यहाँ पे सासू मम्मी जी ने नए बनाए हैं। तो ये चुका है 12 बज चुका है, तो खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है। तो आज बना रहे हम दाल और चावल। तो अभी हमने दाल भी बॉईल कर ली है, अब अभी तड़का मारना है। और इस वाले पैन में ना मैंने अभी चाय बनाई थी काम वालों के लिए, तो चाय तो मैं लेके आ चुकी हूँ। और दीदी जी अभी नहाने जा रखे हैं बाथरूम में, और मम्मी जी तो चल गए हैं गाँव में घूमने के लिए। हमारे घर में ना पूरे 4 किचन हैं। तो एक जो सामने है, किचन तो सामने है, और एक ये वाला किचन है। जो सामने वाले किचन में ना हम खाना बनाते हैं, और देन इस वाले किचन में ना हमारा सामान वगैरह रखा हुआ है, ये वाले लेंगड़े। तो आज ना हम लेंगड़ों की सब्जी बनाने वाले हैं। देखो, ये ना हमारे पहाड़ की बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। और ये वाले लेंगड़े ना बड़े वाले भैया जी ने भेजे उत्तरकाशी से, देखो कितने प्यारा लग रहा है ना। तो आज ना हम इसी का स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हैं। तो इसकी सब्जी ना हम रात को बनाएंगे, अभी तो फिलहाल हम दाल और चावल बनाएंगे। तो इस टोकरी में ना, पूरी टोकरी में ना हमने लेंगड़ा रखे हुए हैं, लाल मिर्ची। ये मिर्ची ना हमारे खेत में ही लगी हुई थी, तो हम खेत से निकाल के लेके आए, और देन अभी ना हमने इस प्लेट में रखी हुई है सुखा के। और ये वाले नींबू ना हमारे घर के ही नींबू है, ये नींबू ना हमारे पेड़ में लगे हुए थे, तो ये सासू मम्मी जी ना सुबह ही लेके आए तोड़ के पेड़ से। खाना बना लेती हूँ। तो अभी मैंने खाना भी बना लिया है, मैंने दाल भी बना ली है, और कुकर में ना मैंने चावल चढ़ा लिए हैं, और मैंने पतीली में ना मैंने दाल फ्राई कर ली है। तो मेरा खाना बनके भी ना तैयार हो चुका है, मतलब दाल। दोस्तों, मैं खाना बना के आ चुकी हूँ, और अभी ना स्कूल वाले भी आ चुके हैं। तो अभी ना सिमोरों की छुट्टी भी हो चुकी है, तो सिमोर भी आ गए हैं स्कूल से। तो अब चलते हैं खाना खाने के लिए फटाफट से, पहले खाना खा लेते हैं, आप सब भी आ जाओ हमारे घर लंच करने के लिए। और आजकल ना वैसे ना मैं अपने बुक्कू को ना इधर रखती थी बिस्तर के ऊपर अपने बेड में, लेकिन आजकल ना मैंने बुक्कू को ना वहाँ से साइड कर दिया, और आजकल ना बुक्कू यहाँ पे रहता है। बुक्कू को ये नीचे वाला ना उसका धागा निकल चुका है, तो आज अभी ना मैं उसकी सिलाई करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो दोस्तों, इधर ना सिमू ना पता नहीं क्या खा रहा है। ओ भाई, यहाँ देखो भाई, पीछे छुप गया, इधर आओ। लगी ना सर, यहाँ देखो दोस्तों भाई, पता है क्यों भाग रहा है आपको? पता है
ताकि चाची को ना ये लैस ना देना पड़े। और आपको एक बात बता दी, मैं कल ना मेरा फास्ट था, जिस दिन मेरा फास्ट रहता है ना उस दिन ना मेरे मुंह के आगे लेके आता है कुरकुरे, खा लो खा ले चाची की, और बिस्किट भी ना मेरे मुंह के आगे लेके आएगा चाची खा ले। और जिस दिन मेरा फास्ट नहीं होगा ना उस दिन भयंकर दरवाजे के पीछे छुप छुप के खाता है सिम, ऐसे देता है मेरा भयंकर, मारना पड़ेगा यार। दे दो, देखो दोस्तों आज नहीं दे रहा मुझे, कल जब मेरा फास्ट रहता है ना तब मेरे मुंह में ऐसे लेके आएगा ऐसे, चाची खा लो ऐसे ऐसे कर दे, तुम मुझे बता से पहले खाना खा लेते। और यहाँ पे सिमुल कपड़े चेंज कर लो, मुश्किल है। अब देखो यहाँ सेब खाने लग गए, ये है सेब, अनार, मैंने बोला सेब बोले नहीं कि अनार है कि, दे दो मुझे अंडा, इतना दाता है ना, इतना दाता है ना, मैं क्या बताऊँ, सारा दे देगा मुझे एक बार में। सिंपू आ जाओ खाना खाने। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लक्कड़, ये है लक्कड़घाट वाली रोड, और हम यहाँ पे जा रहे हैं सिलाई वाली आंटी के घर पे, क्योंकि मैंने लक्कड़घाट वाली रोड पे ना एक अपना एक सूट दे रखा है सिलने के लिए। वो आंटी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिलती है सूट, तो मुझे एक बार मैं पहले भी लेके आई थी सूट सिलने का, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैं दोबारा से लेके जा रही हूँ उनके पास सूट सिलाने के लिए। और मैं और आकाश जा रहे हैं, तो अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, आगे आकाश जा रहा है और पीछे से मैं जा रही हूँ। यहाँ का व्यू ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अभी शाम का टाइम भी है और थोड़ा सा ना तूफान वगैरह भी होने लग गया है, तो पत्ते वगैरह बारिश हो हल्की हल्की ना बारिश होने लग गई है अचानक से, अभी तक तो मौसम ठीक था। तो अभी मैं जा रखी थी मार्केट, और जस्ट अभी अभी आ रही हूँ मैं मार्केट से, मैं और आपको जा रखे थे, लेकिन रास्ते में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग थे हमारे गांव के, मैं कब बोलेंगे बुहारी का कुछ काम धाम नहीं है। जब देखो जस्ट अभी अभी पहुँच रही हूँ मैं अपने घर पे, और बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों। तो फाइनली मैं अभी अपने घर में पहुँच चुकी हूँ, और मुझे ना थकान भी लगी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, तो मैं आई और सीधा अपने ये फराटेदार पंखा चलाया मैंने, ताकि थोड़ा राहत मिले शरीर को। तो अभी ना तो फटाफट अब चलती हूँ मैं, तो यहाँ पे ना पूरा सीलन आ गया है, ये सीलन से ना ये देखो पूरी दीवार हमारी कैसी हो चुकी है, पूरे इसके ना छिलके टाइप के निकल रहे हैं। तो अब आपको लेकर चलती हूँ मैं छत पे, तो ना कपड़े भी यहीं पर रखे हुए, तो मैं भी थोड़ी देर में प्रेस वगैरह करूँगी और फिर उन्हें सेट करके अलमारी में रखूंगी। ये गमला ना हम परसों नया लेके आए, और इसमें ये हमने फूल का पेड़ लगा रखा है, जो कि ये ना मुरझने लग गया है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने छत पे, धूप तो निकल चुकी है, आज धूप के निकलेगी, धूप तो आ ही नहीं रखी थी आज क्योंकि मौसम ख़राब था। तो अभी ना मम्मी जी और जा रखे हैं कीर्तन में, और दीदी जी नीचे नहाए शायद अभी, तो अपने कपड़े धुल रहे हैं। और तो मैं ना अभी छत पे आ रखी हूँ घूमने, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो छत पे ये है कि थोड़ा चारों तरफ से ठंडी ठंडी नेचुरल हवा आती है, तो अच्छा अच्छा फील हो रहा है।
तो दोस्तों मैं ना आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं आप सभी को ना एक खुशखबरी बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत जल्द ना मिस्टर जी घर आने वाले हैं। और मिस्टर जी कब घर आ रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों बहुत जल्द ना कुछ दिन में ना मिस्टर जी भी घर आने वाले हैं। तो मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मिस्टर जी घर आ रहे हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बाद मैं मिस्टर जी से मिलूँगी। मिस्टर जी से ना पूरे 7 महीने बाद मिलूँगी मैं इस बार। तो पहली बार हुआ होगा कि मतलब शादी के बाद ना मैं मिस्टर जी से काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मिल रही हूँ। वैसे मिस्टर जी ना शादी के बाद ना मतलब पिछली बार जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद तो 1.5 महीने में ही आ गए थे छुट्टी पे, और उसके बाद जब गए थे तो फिर 3 महीने में आए थे। इस बार मतलब शादी के बाद फर्स्ट बार ऐसा है जो मिस्टर जी ना पूरे क्योंकि मिस्टर जी ना पूरे 7 महीने बाद आ रहे हैं छुट्टी पे। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि मिस्टर जी ना घर आ रहे हैं। काफ़ी अलग ही फीलिंग आ रही है मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। तो मैं ना मिस्टर जी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, मिस्टर जी कब आएंगे घर। तो देखते हैं मिस्टर जी कब आते हैं घर, क्योंकि मिस्टर जी बोल रहे थे आज कि मैं ना बहुत जल्द घर आने वाला हूँ। और मिस्टर जी कब घर आ रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मिस्टर जी कब घर आ रहे हैं। और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि मेरा फौजी साहब घर आ रहे हैं। मैं ना अपनी खुशी ना आप सबको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा सच्ची में। तो अभी ना ये वाला जो घर रूम ये वाला जो घर दिख रहा है ना, ये वाला घर ना हमारा अभी जस्ट न्यू बना है। इसमें ना पेंट वगैरह भी हो चुका है, तो अभी ना मतलब ये पूरा चूना वगैरह भी हो चुका है, तो अभी ना इसमें ना पेंट वगैरह हो रहा है दरवाजों पे। तो सीढ़ियाँ वगैरह में तो आज कलर करा उन्होंने पेंट वगैरह, तो मतलब 1-2 दिन में तो हमारा घर ये वाला जो नया बना है ये वाला घर बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट में मेरा कुछ काम है।